सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। ये आज लाइन इंटीग्रल का थर्ड वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इसके पहले लाइन इंटीग्रल पर दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। इसका कॉन्सेप्ट मैं जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अपलोड किया हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए कि लाइन इंटीग्रल जो होता है वो किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं। अगर किसी फंक्शन को वेक्टर फंक्शन एफ ले लेते हैं और उसको हम लोग किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं, ये कर्व सपोज कीजिए सी है, तो इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते हैं और ये डॉट डी आर, यहाँ पर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर बताता है। इस कर्व का किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर अगर ले लेते हैं तो ये आर का डिफरेंशियल है। तो एफ डॉट डी आर को अगर इंटीग्रेट करते हैं अलोंग द कर्व तो उसी को लाइन इंटीग्रल कहते हैं। पहले वाला वीडियो में आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा इसके बारे में, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है इसके बारे में देखिए कि f जो फंक्शन यहाँ है, यहाँ एक ज़रूरत पड़ता है फंक्शन का जिसको इंटीग्रेट करना रहता है, तो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। ये f फंक्शन ये है 3x इंटू वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और इवेल्युएट करना है इसी लाइन इंटीग्रल को अलॉन्ग द कर्व। और कौन सा कर्व है, वेयर द सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर ये कर्व है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है और इस पैराबोला में हम लोग को 0.0 से 1.2 तक इंटीग्रेट करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, इस लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक्स वाई प्लेन में ये कर्व है, तो एक्स वाई प्लेन पर में कर्व है इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सिंस द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इन द एक्स वाई प्लेन सो जेड इक्वल टू 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। अब ये देखिए ये कौन सा कर्व है, वाई इक्वल टू 2x² है, मीन्स क्या हुआ, आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इधर डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 2, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/8 इंटू वाई, ये 4 से कट जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा 2। तो ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में आ गया। तो ये एक पैराबोला हो गया, और ये किस प्रकार का पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो आ रहा है तो ये कौन सा पैराबोला होगा, जरा ध्यान दीजिए, ये इस तरीके का कुछ पैराबोला होगा। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो है वो इस तरीके का कुछ पैराबोला होगा। तो हम लोग को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0.0 से यानी कि ओरिजिन से इंटीग्रेट करना है 1.2 तक। तो इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है हम लोग को ये पैराबोला में। तो सबसे पहले यहाँ जेड कोऑर्डिनेट 0 है, हम लोग आर के बारे में देखते हैं कि आर क्या बताता है। आर कोई भी पॉइंट, इस कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उसका पोजिशन वेक्टर होता है आर। तो यहाँ पर देयरफॉर आर होता क्या, किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आपको लिखना है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। लेकिन यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं। यानी कि देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या, सॉरी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये तो 0 वेक्टर हो गया। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, तो डिफरेंशियल डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई तो ये कांस्टेंट वेक्टर है तो सिर्फ एक्स का डिफरेंशियल निकालना है, तो एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और आई कैप। यहाँ जे भी कांस्टेंट वेक्टर है तो वाई का डिफरेंशियल डी वाई और जे कैप, तो ये डी आर वेक्टर निकल गया। अब हम लोग ये इंटीग्रल निकालना है, ये जो इवेल्युएट करना है, आप देख रहे हैं कि एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना है अलॉन्ग द कर्व सी। तो सी में भी हम लोग को पूरे कर्व में नहीं करना है, ये दो पॉइंट है 0.0 और 1.2, इसी दोनों पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो बाद में हम लोग लिमिट जब लगाएंगे तो पॉइंट के बारे में लिख देंगे, अभी फिलहाल सी लिखे हुए हैं कि उस कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है और किसको, एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना है।
अब जरा ध्यान दीजिए, एफ का वैल्यू हम लोग को पता है कि एफ जो फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है 3xyi cap - y²j cap, ये हम फंक्शन का वैल्यू लिख दिए और डॉट dr, तो dr जो है यहाँ पर ऊपर में निकाले हुए हैं, dr का वैल्यू है dxi cap + dyj cap। अब इस दोनों वेक्टर का हम लोग को डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होगा कि i का जो कोएफिशिएंट है दोनों वेक्टर का, वो कोएफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3xy dx, और यहाँ पर j का कोएफिशिएंट है -y², और यहाँ पर j का कोएफिशिएंट है dy। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, नंबर वन कर देते हैं फिलहाल। तो अब इंटीग्रेट करना है तो दो तरीके से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके से, एक तो हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ही रहने दे सकते हैं और उस तरीके से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मेथड यहाँ पर देखेंगे, दोनों मेथड से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड लेते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो पैराबोला कौन सा है, आप ये देख रहे हैं जो पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन y = 2x² है, और इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज, यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा, अगर x कोऑर्डिनेट हम लोग x = t लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा y = 2t² x = अगर t ले रहे हैं तो y = 2t² हो जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग कर्व का, इस पैराबोला का। अब यहाँ पर dx/dt निकाल लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो एक t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर dy/dt जब निकालते हैं तो ये डिफरेंशियल इसका आ जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 4t। अब जरा ध्यान दीजिए, एट द पॉइंट, हम लोग पॉइंट में कोऑर्डिनेट भी चेंज कर लेते हैं, एट द पॉइंट 0, 0, x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट 0 है, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, देन t = 0 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट लेते हैं, एट द पॉइंट एक और पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, तो इस पॉइंट पर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 1, और जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर x कोऑर्डिनेट 1 बैठाते हैं तो t का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग को देखिए, फर्स्ट से हम लोग फर्स्ट जो इक्वेशन लाए हैं वहाँ से f.dr लेकर के चलते हैं अलॉन्ग द कर्व c, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना, f.dr का वैल्यू कितना निकाले हुए थे, आप यहाँ पर देख रहे हैं f.dr का वैल्यू ये निकाले हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, dx को लिखते हैं dx/dt × dt। देखिए ये जो है वो 3xy dx/dt × dt लिख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी dy/dt × dt लिखिए, -y²dy/dt × dt। देखिए ये dx/dt × dt तो dx ही हो जाएगा, इसी तरीके से dy/dt × dt dy ही रह जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो t का वैल्यू चेंज होगा, तो t का वैल्यू कहाँ कहाँ से चेंज होगा, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है कर्व में, तो t का वैल्यू इसका 0 है और इसका t का वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, dt दोनों में है तो dt को बाहर कर देते हैं, तो 3xy dx/dt -y²dy/dt, और dt को हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का वैल्यू t के टर्म में पुट कर देंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू t है, और y का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2t² है, और dx/dt का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 है, -y² का वैल्यू, तो y² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4t⁴ हो जाएगा, और dy/dt का वैल्यू कितना है, 4t है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग कहाँ से, 0 से 1 तक, तो आप देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 6, और t³ हो जाएगा, तो t³ का इंटीग्रल t⁴/4 यहाँ पर हो जाएगा 16, और t⁵ होगा, तो इसका इंटीग्रल t⁵/6 ये इंटीग्रेट करना है 0 to 1। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो t के जगह 1 पुट करते हैं तो ये आ रहा है 6/4, माइनस यहाँ पर t के जगह 1 पुट करते हैं तो 16/6, और 0 पुट करने से दोनों 0 हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं ये 3/2 आ गया,
और ये आ जा रहा है 8/3, यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा और 2 3 6 3 3 9 माइनस यहाँ हो जाएगा 16, तो ये -7/6 आ रहा है। तो यही लाइन इंटीग्रल हो गया। एफ डॉट डी आर का वैल्यू कितना आ गया, -7/6 आ गया। और हम लोग ये कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट किए हैं और इस पॉइंट 0 0 से लेकर के 1, 2 तक, यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट किए अलॉन्ग द कर्व अलॉन्ग द पैराबोला। तो इसको, इसका जो लाइन इंटीग्रल है, इसका वैल्यू -7/6 आया। अब इसका हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं कि बिना पैरामेट्रिक में चेंज किए कार्टेजियन का ही हेल्प से हम लोग कैसे इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड में हम लोग देखते हैं कि ये जो एफ डॉट डी आर का वैल्यू है, इतना हम लोग जो निकाल के रखे हुए हैं, तो इसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एफ डॉट डी आर का जो वैल्यू निकला हुआ था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई का भी वैल्यू एक्स के टर्म में पुट करना पड़ेगा। तो वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको कर्व के इक्वेशन से वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में मिल जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना है, 2x2। तो वाई के जगह हम लोग 2x2 पुट कर देते हैं और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा अलॉन्ग द कर्व, तो ये कर्व में दिया हुआ है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 से लेकर के 1 तक वैरी कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका 0 है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, उसका लिमिट हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर 0 to 1। और फिर इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं माइनस, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ये वाई का ही फंक्शन है, इसको तो यहाँ को कुछ यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी वाई का फंक्शन है और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट क्या होगा, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है और इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है, यानी कि ये 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखिए, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 3 2 6 हो गया, ये बाहर हो जाएगा। x³ का इंटीग्रल x^4/4 और इसका लिमिट होगा 0 to 1। यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, इसका हो जाएगा y³/3 और इसका लिमिट है 0 to 2। तो अपर लिमिट पुट करते हैं, ये तो कट भी जाएगा, 3 2 6 और 2 2 4। तो 1 पुट करते हैं तो ये 3/2 और 0 पुट करने से 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 2 2 4, 4 2 8, 8/3 और 0 पुट करने से 0 आ जाएगा। फिर आप इसको एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर 9 - 16 आ रहा है, -7/6। आप पहले वाला भी मेथड में देखे होंगे कि यही आया था। तो इस मेथड से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में भी, या फिर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। कुछ सवाल जो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने से थोड़ा आसानी से बनता है, कुछ कार्टेशियन में भी आसानी से बनता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में, तो आप सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए कि इवेल्युएट एफ डॉट डी आर अलॉन्ग द कर्व सी, वेयर एफ जो फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये दिया हुआ है और द कर्व सी इज द रेक्टेंगल इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय दिस 4 लाइंस। तो सबसे पहले ये जो कर्व है वो एक रेक्टेंगल है एक्स वाई प्लेन पर, ये 4 लाइन से बाउंडेड है। तो कौन सा 4 लाइन है, पहले इसको हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कौन सा रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ है। तो सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं। तो सबसे पहला लाइन है y=0, y=0 होता है वो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, इस लाइन का इक्वेशन हो गया y=0। और x=a वाई एक्सिस के पैरेलल होता है और a पॉइंट से पास करता है और y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये हो गया लाइन x=a, a पॉइंट सपोज कर लीजिए x एक्सिस पर यहाँ पर है। और फिर थर्ड लाइन है y=b एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ये y एक्सिस के पैरेलल और y=b एक्स एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से पास करेगा, ये b से पास करेगा, ये b पॉइंट है। तो ये हो गया y=b। और फिर नेक्स्ट है x=0, तो x=0 कौन सा लाइन है, ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है x=0। तो 4 लाइन हो गया y=0, x=a, y=b और x=0, ये चारों लाइन से जो एक कर्व बन रहा है उसी कर्व के अलॉन्ग हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ये रेक्टेंगल के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है।
तो आप यहाँ का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा 1, b, इसका आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा 0, b और इसका तो ओरिजिन का 0, 0 होता है, तो ये ओ हो गया, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और इसको हम लोग इस पॉइंट को आर कर देते हैं। तो ओ पी क्यू आर जो रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल में इंटीग्रेट करना है और डायरेक्शन क्या लेंगे, अगर कोई डायरेक्शन लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, इस डायरेक्शन से घूमेंगे, पहले ओ से पी में इंटीग्रेट करेंगे, फिर पी से क्यू में करेंगे, फिर क्यू से आर में इंटीग्रेट करेंगे और आर से ओ में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग घूमते हैं, अगर पहले से कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो आप जरा देख रहे हैं कि ये जो भी फिगर है वो एक्स वाई प्लेन पर है, जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए कि कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं इसको, कि जो इंटीग्रेशन है वो परफॉर्म करना है एक्स वाई प्लेन में, इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन अगर हम लोग लेते हैं, अगर थ्री डायमेंशनल में भी एक्स वाई प्लेन को कंसिडर करें तो जेड कोऑर्डिनेट होता है जीरो। तो मैं अभी पहले वाला क्वेश्चन में भी बताया था कि आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू आई के प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, तो ये जेड जो है वो जीरो है इसीलिए उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, और यहाँ से डी आर डिफरेंशियल निकाल लेते हैं तो जो आएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब हम लोग जिसको इंटीग्रेट करना है तो उसको लेकर के चलते हैं, अलॉन्ग द कर्व इंटीग्रेट करना है एफ डॉट डी आर को, तो ये कर्व रहने दीजिए और एफ जो फंक्शन है वो हम लोग का दिया हुआ है, तो फंक्शन आप देख रहे हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप, और हम लोग फिर इसका डी आर जो डिफरेंशियल है उसको लिखते हैं, तो डी आर डिफरेंशियल हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं कि ये है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई। अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो आप देखिए इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अलग होगा या इक्वेशन ये अलग है, इसका इक्वेशन अलग है, इसका इक्वेशन अलग है, इसका इक्वेशन अलग है, तो हम लोग इसको चार पार्ट में, इस इंटीग्रल को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हम लोग o से p तक इंटीग्रेट करते हैं, फिर p से q इंटीग्रेट करते हैं, फिर q से r इंटीग्रेट करते हैं, फिर r से o इंटीग्रेट करेंगे और सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से कंप्लीट इस पूरे क्लोज्ड कर्व में इंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि इसका लाइन का इक्वेशन अलग है, इसका नेचर अलग है, इस लाइन का इक्वेशन अलग है, इस लाइन का इक्वेशन अलग है, तो जो लाइन का इक्वेशन ओ से पी तक तो सेम लाइन का इक्वेशन है, तो ओ से पी तक एक साथ करते हैं, फिर पी से क्यू तक जो लाइन का इक्वेशन है वो डिफरेंट है इससे, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए आप पहले देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसको नंबर वन करके छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ऑनलाइन ओ पी, ऑनलाइन ओ पी, ओ पी लाइन में वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो डी वाई अगर इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो जीरो का डिफरेंशियल जीरो ही आएगा, एंड एक्स वैरीज, एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, एक्स वैरीज फ्रॉम, आप देख सकते हैं फिगर में कि एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो एक्स वैरीज फ्रॉम जीरो टू ए हो जाएगा। और फिर हम लोग ऑनलाइन दूसरा लाइन लेते हैं, पी क्यू लेते हैं, तो पी क्यू में आप पी क्यू लाइन का इक्वेशन देखिए, तो एक्स इक्वल टू ए है, अगर इसका हम लोग डिफरेंशियल निकालेंगे तो डी एक्स होगा और ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, तो एक्स कांस्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर फिक्स है, एक्स हमेशा ए होगा ये पूरे लाइन का, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो से लेकर के बी तक वैरी करेगा, तो हम लोग लिखते हैं वाई वैरीज फ्रॉम जीरो टू बी, ये वाई कोऑर्डिनेट जीरो से बी तक वैरी कर रहा है। अब फिर हम लोग थर्ड लाइन लेते हैं क्यू पी, क्यू आर, क्यू आर में देखिए कि यहाँ पर क्यू आर में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो ऑन लाइन क्यू आर यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट बी हो गया, इसीलिए इसका डिफरेंशियल डी वाई, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो गया, और एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, वैरीज फ्रॉम, आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट ए है और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ए से जीरो इस डायरेक्शन में आ रहा है,
तो ए टू ज़ीरो हो जाएगा। और लास्ट लाइन है आर ओ, तो इस लाइन में आप देखिए ऑन लाइन आर ओ, इस लाइन में इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ज़ीरो है, तो x जब ज़ीरो है तो dx भी ज़ीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। और y कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है, y वैरीज फ्रॉम, तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है आप देख सकते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट है b और इसका y कोऑर्डिनेट है ज़ीरो, तो y कोऑर्डिनेट b से ज़ीरो तक वैरी कर रहा है। तो अब ये जो इंटीग्रल हम लोग निकाले थे फर्स्ट में, वहाँ से लेकर के चलते हैं f डॉट dr जो निकालना था अलॉन्ग द कर्व c, तो आप देखिए यही निकला हुआ था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस इंटीग्रल को आप समझिए कि इस इंटीग्रल को हम लोग पहले OP में इंटीग्रेट करते हैं। तो आप एक एक करके देखिएगा OP में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। OP में जब हम लोग लिख रहे हैं तो OP में आप देखें यहाँ पर OP में x वैरी कर रहा है जीरो से a तक, देखिए x वैरीज फ्रॉम ज़ीरो टू a, और y ज़ीरो है और dy ज़ीरो है, तो इसमें y के जगह ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो y के जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी वाई ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको इस लाइन में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस इंटीग्रल का वैल्यू सिर्फ उतना ही आ रहा है, सिर्फ उसी को इंटीग्रेट करना है। अब फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लस, अब दूसरा लाइन जो है ये पी क्यू, पी क्यू में इंटीग्रेट करते हैं। तो पी क्यू में क्या होगा, पी क्यू में वाई कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, जीरो से बी तक, और x a है और dx 0 है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं dx, जब 0 पुट कर देंगे तो dx 0 पुट करने से ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू a है तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर a पुट करेंगे तो माइनस टू ए वाई डी वाई, माइनस टू ए वाई डी वाई इसको इंटीग्रेट करना है। अब फिर हम लोग थर्ड इंटीग्रल, थर्ड लाइन में QR में इंटीग्रेट करते हैं। तो QR में Y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, सॉरी X कोऑर्डिनेट, देखिए QR जो लाइन है उसमें X कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है A टू 0, तो A से 0 तक इंटीग्रेट करेंगे, और Y जो है वो B हो जाएगा और DY भी 0 हो जाएगा। तो Y के जगह हम लोग B बैठाएंगे, y के जगह अगर b बैठाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, और डी वाई जीरो हो जाएगा, तो डी वाई जीरो करने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब लास्ट एक लाइन और बचा हुआ हम लोग का, वो लाइन है आर ओ, और आर ओ में वाई वैरी कर रहा है बी से ज़ीरो, तो वाई हो गया बी टू ज़ीरो, और यहाँ पर x 0 है और dx 0 है, तो x के जगह हम लोग 0 पुट करेंगे और dx के जगह 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ भी x के जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल का ही वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि dx भी 0 है और x भी 0 है, तो dx 0 होने के कारण ये पूरा टर्म 0 और x 0 होने के कारण ये भी पूरा टर्म 0। तो थर्ड लाइन में इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड लाइन में 0 आएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स क्यू डिवाइडेड बाय थ्री जीरो टू ए, और फिर यहाँ पर माइनस टू ए कांस्टेंट है, वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय टू, और इसका इन लिमिट है जीरो टू बी, यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं एक्स क्यू बाय थ्री, और बी स्क्वायर कांस्टेंट है इन टू एक्स, यहाँ पर ए टू जीरो हो जाएगा। अब ये अपर लिमिट पुट करते हैं तो ए क्यू डिवाइडेड बाई थ्री और जीरो पुट करने से जीरो, यहाँ पर बी पुट करेंगे तो माइनस टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और जीरो पुट करने से जीरो, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो पहले जीरो आएगा, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ए क्यू बाई थ्री प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, ये आएगा थर्ड इंटीग्रल में। तो यहाँ पर आ रहा है आपका ए क्यू बाई थ्री माइनस ए बी स्क्वायर, टू टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पर माइनस ए क्यू बाई थ्री और माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस टू ए बी स्क्वायर आ गया, यही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। यानी कि इस रेक्टेंगल के अराउंड अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं रेक्टेंगल के अलॉन्ग, तो यहाँ पर जो इस फंक्शन है, इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल जो है वो माइनस टू ए बी स्क्वायर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ अपने बुक से कुछ क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल का सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वाला वीडियो में मैं वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए,
और उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर पूरा सब सही से समझना है तो मेरे सारे वीडियो को आप देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।